बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजमा यूनस और आप देख रहे हैं नजमा यूनस किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का स्टिक। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी आराम से किचन में ही तैयार हो जाती है। इसके लिए सीहों और कोयले दहकाने का कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ख़ास तौर पर जब अचानक मेहमान आ जाएं तो हम चाहते हैं कि जल्दी से कुछ अच्छा तैयार कर पाएँ। तो हम इसको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और फौरन फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलें चिकन टिक्का स्टिक बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ केजी हमने चिकन लिया है बोनलेस, इसको हमने धोकर अच्छी तरह खुश कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये स्टिक्स बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं, 50-60 रुपये का पैकेट मिलता है ये, और ये कई बार इस्तेमाल हो जाता है। चिकन की कटिंग हम खुद करेंगे, बाज़ार से कोशिश करें ना करवाएं, क्योंकि वो जल्दी में मतलूबा कटिंग नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्यूब्स में कटिंग करनी होगी ताकि वो स्टिक्स पर अच्छी तरह बोटियां लग सकें। शार्प नाइफ की मदद से हम इसको क्यूब्स में काट लेंगे। चिकन की कटिंग हमने कर ली है, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे और फिर इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फौरन भी फ्राई कर सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो, लेकिन अगर हम मैरिनेट करने के बाद 3-4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। 1/2 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून सिरका सफ़ेद, पपाया पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें 1 टीस्पून, ये भी हमने पीस ली हैं बहुत अच्छी तरह, लेमन जूस, एक फ्रेश लीमू का रस हमने डाला है, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून डालेंगे। नमक 1 टीस्पून या फिर हसबे जायका, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, जर्दा कलर हम 1 चुटकी डालेंगे, इससे बड़ा खूबसूरत कलर आता है। इस सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हम ग्लव्स चढ़ा रहे हैं हाथों पे ताकि जर्दा कलर हमारे हाथों को ना लगे। तमाम मसाले चिकन में मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में नहीं रखेंगे, वरना ये फ्रीज हो जाएगा। मैरिनेशन के बाद अब हम इसको स्टिक्स पर लगाएंगे। एक स्टिक पर 4 से 5 क्यूब्स लगाकर हम स्टिक्स रखते जाएंगे। थोड़े थोड़े फासले पर रखेंगे। इसी तरह हम सारी स्टिक्स तैयार कर लेंगे। चिकन टिक्का स्टिक को किसी एयर टाइट डब्बे में रखकर फ्रीज भी कर सकते हैं, जब चाहे निकाल लें और फ्राई कर लें। एक तह लगाकर उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट या कोई शापर वगैरह से उसको कवर करें और फिर दूसरी तह लगा लें। एक फ्राई पैन को हमने लो फ्लेम पर गर्म किया है। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच
आयल की शामिल करेंगे और चिकन टिक्का को फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाए और खूबसूरत सा कलर आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम एक साइड को फ्राई करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह चिकन टिक्का स्टिक बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसी तरह हम सारी स्टिक्स फ्राई कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। हमेशा खुश रहें, अपना बहुत ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।